नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है गैजेट वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में। आज मैं आपको मीडियाटेक हीलियो P65 जो कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स दूंगा और इसका कंपैरिजन हीलियो P60 स्नैपड्रैगन 660 और 675 के साथ भी करूंगा। तो चलिए शुरू किया जाए आज का वीडियो बिना कोई वक्त गवाए। पहले हम कंपेयर करते हैं हीलियो P60 और स्नैपड्रैगन 660 के। ये दोनों प्रोसेसर लगभग सेम है, लेकिन हीलियो P60 ये 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर बना है और 660 40 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर बना है। इसका मतलब P60 660 से ज़्यादा पावर एफिशिएंट है। अगर दोनों के GPU की बात करें तो स्नैपड्रैगन में है एड्रीनो 512 और इसका GPU है माली G72 MP3। GPU के कंपैरिजन में स्नैपड्रैगन 660 थोड़ा बेहतर है। अगर कैमरा की बात करें तो हीलियो P60 में 20+16 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सपोर्ट करता है और अगर सिंगल कैमरे की बात करें तो 32 मेगापिक्सल तक सपोर्ट करेगा। अगर 660 के कैमरे की बात करें तो उसमें सिंगल कैमरा में 24 मेगापिक्सल तक सपोर्ट कर सकता है और डुअल कैमरा में 16 मेगापिक्सल तक सपोर्ट कर सकता है। मतलब कैमरा की डिपार्टमेंट में P60 बेहतर है। और जो दूसरे डिपार्टमेंट में इन दोनों के बीच थोड़ा डिफरेंस है वो है हीलियो P60 थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करता है रैम मैनेजमेंट में। और इसके अलावा इन दोनों प्रोसेसर में लगभग सेम इक्विपमेंट इस्तेमाल किए गए। अगर हम बेंचमार्क स्कोर की भी बात करें तो वहाँ पर स्नैपड्रैगन 660 हीलियो P60 से बेहतर परफॉर्म करता है CPU, GPU और बाकी डिपार्टमेंट में। लेकिन हीलियो P60 का जो एक फीचर स्नैपड्रैगन 660 को हरा देता है वो इसके AI कैपेबिलिटी। इसमें बहुत सारे AI कैपेबिलिटी है, जैसे AI कैमरे, AI फीचर्स ऑन बैटरी और दूसरे सॉफ्टवेयर फंक्शन है। तो अगर मैं आखिर में कहूँ तो अगर रॉ परफॉर्मेंस की बात करें तो स्नैपड्रैगन 660 यहाँ पर जीत जाता है, लेकिन अगर AI कैपेबिलिटी और पावर मैनेजमेंट की बात करें हीलियो P60 यहाँ पर जीतता है। लेकिन कुछ दिन पहले मीडियाटेक ने अपने इस P60 चिप को थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है, मतलब अब उन्होंने हीलियो P65 लॉन्च किया है। अब हम देखेंगे कि मिड रेंज में हीलियो P65 और स्नैपड्रैगन के अब तक का बेस्ट मिड रेंज प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 675 में कौन सा बेहतर। अगर हम मीडियाटेक की ऑफिशियल रिपोर्ट की बात करें तो हीलियो P65 का जो मेन फीचर है वो है इसके दोनों कोर कोर्टेक्स A75 पर बेस्ड है और बाकी के 6 कोर कोर्टेक्स A55 पर बेस्ड है, जो कि इस रेंज में दूसरे जितने भी प्रोसेसर है उनसे बहुत ही बेहतर है। अगर हम इसके AI परफॉर्मेंस की बात करें तो हीलियो के पिछले प्रोसेसर में से ये वाला प्रोसेसर लगभग 100% परफॉर्मेंस बूस्ट है AI परफॉर्मेंस के हिसाब से। अगर हम CPU और GPU के परफॉर्मेंस की बात करें तो 30% परफॉर्मेंस बूस्ट हमें दिख सकता है। और इस प्रोसेसर का जो मेन फीचर है वो है इम्प्रूव्ड AI गेमिंग परफॉर्मेंस एंड 48 मेगापिक्सल का कैमरा इसमें सपोर्ट करेगा। लेकिन इसमें थोड़ा डिसएडवांटेज है, अगर ये सिंगल कैमरे में सिर्फ 48 मेगापिक्सल तक सपोर्ट करेगा, लेकिन अगर डुअल कैमरा इस्तेमाल किया जाए जैसे कुछ कंपनी इस्तेमाल कर रहा है 48 उसके साथ एक 5 या फिर 8 मेगापिक्सल तो वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ये इस प्रोसेसर का थोड़ा सा ड्रॉबैक। मीडियाटेक P65 और स्नैपड्रैगन 675 को कंपेयर किया जाए तो ऐसा दिखाई देगा कि CPU और GPU और बाकी सारे कंपार्टमेंट में हीलियो P65 स्नैपड्रैगन 675 से थोड़ा बेहतर है। मतलब हम इस प्रोसेसर को स्नैपड्रैगन 675 और स्नैपड्रैगन 710 के बीच में रख सकते हैं, क्योंकि मीडियाटेक का ऐसा मानना है कि ये वाला प्रोसेसर हीलियो P60 और P70 से बेहतर है। और हमें ऐसा दिखाई दिया है कि हीलियो P70 और स्नैपड्रैगन 675 लगभग सेम परफॉर्मेंस करता है। तो उसी हिसाब से P65 प्रोसेसर को स्नैपड्रैगन 675 से थोड़ा ऊपर रख सकते। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि मीडियाटेक का ये जो नया ऑफरिंग है ये कितना बेहतर काम कर सकता है स्मार्टफोन के अंदर। अब देखते हैं कौन कौन से कंपनी ये वाला स्मार्टफोन अपने फोन में इस्तेमाल करता है और बहुत सारे स्मार्टफोन लॉन्च करता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तो तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।